हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक बेबी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ आप सभी के साथ। पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने बेबी के कपड़े, बेबी के फीडिंग बॉटल, बॉडी वॉश सब कुछ का रिव्यू किया था, वो वीडियो आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है। जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वीडियो के ऊपर आई बटन में भी मैं उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इस टब को ओपन कर लिया है, आप देख ही सकते हैं ये डबल पैकेजिंग में आया है। इस टब को मैंने फर्स्ट क्राई ऐप से ऑर्डर किया था। पहली बार मैंने फर्स्ट क्राई ऐप से कुछ ऑर्डर किया है और मुझे उनका पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब इस टब की क्वालिटी की बात करें तो वो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है। आगे हम इसकी मेजरमेंट्स, इसकी क्वालिटी की सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये है कम्प्लीट बाथ टब जिसके साथ इसके अंदर सीट जो था वो इसके साथ फ्री आया था। और ये है इसकी कैप जो अभी हमने खोली है, ये ड्रेनेज की कैप है। यहाँ से पानी ड्रेन करने के लिए जगह बनाया हुआ है। जब आप बेबी को नहला ले तो आप इसे खोल देंगे, पानी वहाँ से आराम से ड्रेन आउट हो जाएगा। और साथ में ये स्लिंग सीट मिली है जो कि काफ़ी अच्छी है और इसके नीचे ये वैक्यूम के स्टिकर्स दिए हुए हैं जो स्लिंग सीट को अच्छे से मतलब स्टिक कर देते हैं टब के साथ। अगर आपका बेबी वन ईयर से छोटा है तो आप इस सीट पे बिठा के उसे नहलाएं, अदरवाइज़ अगर वो बड़ा है तो इस सीट को आप हटा भी सकते हैं। और इस तरह से साइड में फिश के डिज़ाइंस बने थे, ये छोटा सा मग दिया हुआ है साइड में इसके। इसके नीचे ये जो स्टिक्स दिए हुए हैं ना, स्टिकर्स दिए हुए हैं जो वैक्यूम स्टिकर्स जिसे कहते हैं, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी जिसकी वजह से ना ये सीट जो है बिल्कुल हिल नहीं रहा था अपनी जगह से, सिर्फ रखते ही ये स्टिक हो जाता है। और बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी है इसकी, ऐसा नहीं है कि आप स्टिक कर देंगे उसके बाद ये अपने आप निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे देख सकते हैं आप कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस हमें काफ़ी सस्ती पड़ी थी, क्योंकि इसका प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर प्रिंटेड है 1995 रुपीज़, बट हमें ये 50% to 55% ऑफ में मिला था। उनका साइट आप चेक करते रहा करना, वहां हमेशा ऑफर चल रहे होते हैं। और इसका बैक साइड दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो इस तरह का है कुछ इसका बैक साइड। और ऊपर ये जो ड्रेनेज वाला कैप मैंने आपको खोलकर दिखाया था, ये वही एरिया है, यहाँ से इसका पानी ड्रेन आउट होगा। और स्टैंड के बेस पे ये साइड से आपको इस तरह की पाइपिंग मिल जाएगी जिसकी वजह से ये टब जो है वो घिसने के चांसेस नहीं रहेंगे। हालांकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये वैसे भी नहीं घिसने वाला है। तो इसका बैक साइड भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, कुछ इसी तरह का है इसका बैक साइड। इस टब को ख़रीदने के पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया, इवन मैंने फर्स्ट क्राई के स्टोर तक भी गई, वहाँ पे भी जाके इसकी क्वालिटी चेक की थी तो मुझे अच्छा लगा, बट उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी और ऐप पे मुझे ये बिल्कुल 50% to 55% ऑफ में मिल गई। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसे ऐप से ही परचेस करें। इसका सीट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख ही सकते हैं इसे मूव करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है एक बार अगर ये सिपक जा रहा है तो। अब इसके मेजरमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे पहले मैं ये सीट को यहाँ से हटा दे रही हूँ। इसे बस रख दो और उसके बाद ये चिपक जाता है एकदम से। इसकी मेजरमेंट्स की बात करें तो इसकी लेंथ 34 इंचेस के करीब है, डैट मीन्स 3 फीट से 2 इंचेस कम है सिर्फ, आप देख सकते हो। मैंने इसलिए मेजरमेंट शेयर किया है क्योंकि जब मैं रिव्यूज़ सर्च करती थी ना इस टब को ख़रीदने के पहले, मैंने काफ़ी रिसर्च की है तो मुझे एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें मेजरमेंट शेयर हो, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है ना कि उसे रखना कैसे है, उसकी मेजरमेंट्स क्या होगी, क्या पता कहीं बहुत ही छोटा आ जाए तो, क्योंकि ऑनलाइन परचेस करना तो थोड़ा टेंशन तो होता ही है। इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ या विथ की बात करें तो 19 इंचेस है, डैट मीन्स 1 फीट से 1 इंचेस ज़्यादा ही है, 1.5 फीट के करीब आप पहन सकते हो। और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी डेप्थ जो है वो कितनी थी, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, फोकस नहीं कर रहा, हाँ 8 इंचेस यानी कि 1/2 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है। डैट मीन्स वो, अगर आप ये मत सोचना कि मतलब बहुत ज़्यादा ये छोटा है, क्योंकि अगर ये इससे थोड़ा सा भी हाइट में ज़्यादा होगा ना तो आपको बाहर बैठकर बेबी को पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने ही हाइट में मुझे ऐसा लग रहा था कि बेबी बहुत ज़्यादा अंदर हो जा रहा है। तो बेबी जब बड़ा होगा उस टाइम के लिए भी ये ठीक है, और जो अभी बेबी का एज है उस हिसाब से भी ये ठीक है। अभी मेरा बेबी 4 मंथ्स का है,
ये देखो आप, मैं इसे हिला रही हूँ तो ये स्लिंग नहीं हिल रहा है, बट ये टब ज़रूर हिल जा रहा है, इतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है इसके स्टिकर्स की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है इस टब को लेकर, तो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और हाँ, बेबी के लिए क्या क्या एसेंशियल ज़रूरी है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।